आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। होप करता हूँ आप सब खुश होंगे और हेल्दी होंगे। आज का जो व्लॉग है वो आप सबकी डिमांड पे आया है। आज के व्लॉग में मैं थोर की सारी पूरे दिन की डाइट दिखाऊंगा, मैं उसको कितनी मील देता हूँ और उसको क्या क्या देता हूँ खाने में। तो आप अब वीडियो देखो आगे कि उसमें क्या क्या चीजें मैं उसको खिलाता हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो मेरे दोस्त सारे कमेंट कर रहे हैं, आप सब कमेंट कर रहे हो कि थोर का प्राइस क्या है, थोर का प्राइस है 35,000 रुपीज। और जिससे मैं ये डॉग लेके आया हूँ उसका मैंने लिंक आई बटन में दे दिया उस वीडियो का। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अब उनके पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो जेन्युइन ब्रीडर होते हैं वो इधर उधर से नहीं उठाते डॉग, तो उनके पास अपने खुद की जो फीमेल है वो उनकी बच्चे सेल करते हैं। तो वो सुमित भाई है, उसका जो उसकी फीमेल है उसके बच्चे सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। जब और बच्चे आएंगे तो मैं आपको वो अपडेट कर दूंगा व्लॉग में। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे अब मतलब बार बार उसे कॉल ना करें, और करनी भी है बात तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आगे आप व्लॉग स्टार्ट करते हैं आगे। और एक और बात, अपने चैनल पे जल्दी से जल्दी 50K सब्सक्राइबर करें ताकि अपने एक नया सरप्राइज आना है। पिछले व्लॉग में भी मैंने हिंट दिया था, तो जिस जिसको वो समझ आ गया हो हिंट तो वो बताना मेरे को। पिछले व्लॉग का भी मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो थोर की जो मॉर्निंग में फूड देना है वो तैयार कर रहे हैं थोर का। ये पानी था इसका, ये थोर के पहले जो एग्स थे वो सिर्फ 2 थे, पर अब मैंने इसके 3 कर दिए हैं। एक तो इसमें होल एग है, इसमें येलो पार्ट और इसका वाइट पार्ट पूरा है, और जो 2 एग और हैं वो उसमें सिर्फ वाइट वाइट पार्ट है, क्योंकि जो येलो पार्ट होता है ना उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा जरूरत नहीं होता इतना ज़्यादा, तो इसलिए एक एग में वो है। और ये वाइट पार्ट, ये प्योर प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन, इसको अच्छा लगता भी है और इसको जरूरी भी है। और ये रॉयल कैनन, मैंने इसे हॉट वाटर में छोड़ा था 5 मिनट्स के लिए और उसके बाद ये ऐसे हो गए। तो मॉर्निंग डाइट थोर की यही है। अभी आगे आगे मैं इसको तैयार करता हूँ, इसको खिलाते हुए भी दिखाऊंगा कैसे खाएगा, कितना पसंद है इसको ये। थोर आ जाओ, आ थोर बाहर देता हूँ, अंदर में चला जाओ। अब तो बिना बोले बैठने लग जाते हैं पहले। थोर गुड बॉय, चलो रुक जाओ थोर, एक सेकेंड ये ना। आप देख सकते हैं कितना पसंद है इसको ये। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसको ऐसे, ये इसके फीड में ऐसे करते रहो ताकि आगे बड़ा होके इसको, ये आपने कई डॉग्स देखे ना वो जो जैसे वो अपने खाने के पास भी नहीं आने देते, तो वैसा ना हो इसलिए अभी से इसको आदत डाल दो ताकि बाद में ये ऐसे गुर्राए ना आपके ऊपर अटैक करे जब आप इसको फीड दो या इसका खाना ले आगे से। देखो मेरे इसके आगे है मेरी उंगलियां, फिर भी कुछ नहीं करने लग रहा है। तो थोर की मॉर्निंग डाइट यही है। अब इसके बाद इसको मील मिलेगी 12 बजे। 12 बजे क्या मिलेगी वो आप आगे वीडियो में देखो। तो अब थोर की सेकेंड मील का टाइम हो चुका है, तो चलो मैं बताता हूँ थोर को हम सेकंड मील में क्या देता हूँ मैं। 12 से 1 बजे के बीच में मैं इसको देता हूँ जैसे ये एक कटोरी दही, और कभी कभी जैसे आज मैंने इस दही के अंदर इसके अंदर राइस डाले हुए हैं, बोल्ड राइस, और जैसे आज ये दिए हैं, कल मैंने इसको हाफ बनाना दिया था इस मैश करके। तो ये है मील सेकेंड थोर की। थोर आ जाओ। दही बहुत अच्छी होती है डॉग्स के लिए, बहुत बढ़िया ग्रोथ देगी और ये अंदर इसको ठंडक भी देगी, तो अच्छा है। सारा ये फिनिश कर देगा अभी, ये इसे फिनिश करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ और फिर इसकी मील थर्ड दिखाऊंगा कि मील थर्ड क्या कहता है ये।
और को मैं शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में मैं स्नैक्स दे देता हूँ। जैसे कभी मैं उसको रॉयल ग्रेन दे देता हूँ, मतलब हाफ कप, ज्यादा नहीं, या फिर कभी कभी मेलन दे देता हूँ। तो ये चीज मैंने शूट करी थी, मैंने थोड़ा सा रॉयल ग्रेन दिया था कल उसको, पर वो क्लिप सही नहीं बनी। मैं अभी दिखाता हूँ, ये थोड़ा मतलब साइज वगैरह टेढ़ी हो गई थी, तो इसलिए मैं वो वीडियो में नहीं डाल रहा, पर मैं वो आपको ऐसे वर्बली बता रहा हूँ कि मैं उसको हल्का फुल्का स्नैक्स दे देता हूँ शाम को 4 से 5 बजे के बीच। और को डिनर में ज्यादा रॉयल ग्रेन नहीं दे रहा मैं, बिल्कुल हल्का सा, ताकि इसका टेस्ट बना रहे, बस थोड़ा सा खा ले खाना साथ में बस। अब जो चिकन में जो बॉयल हो रहा है, इसका जो वाटर है वो उस वाटर से फिर इसमें डाल दूंगा मैं, और फिर ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो वाटर को, और कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। जैसे अभी बॉयल होएगा चिकन तो एक सूप की तरह लिक्विड पीछे रह जाएगा, तो वो सूप इसमें काम आ जाएगा। इसको कर देते हैं, और सॉरी फॉर दिस मेसअप, ये किचन ऊपर शिफ्ट हो रही है फर्स्ट फ्लोर पे, तो थोर का चिकन चेक करते हैं कि बॉयल हो चुका है नहीं हुआ। थोर का चिकन भी बॉयल हो चुका है। ये चिकन के छोटे छोटे पीस कर दिए मैंने, 2 एग हैं, एक एग वाइट और एक होल एग, और ये थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, ये इसके रोल के हैं। अब मैं इसकी मेडिसिन और डाल देता हूँ इसमें। तैयार हो गया, इसके अंदर चिकन है और थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से रॉयल कैनन है, और एक एग वाइट है और एक होल एग है, और इसके अंदर मैंने जो सुबह मेडिसिन डाली थी, एक लिवोटास और जो एक वो HB बढ़ाने के लिए जो इसका सिरप है वो डाला था, वो मैंने सुबह दिखा दिया था, इसलिए मैंने अब नहीं दिखाया। तो थोर आ जा, तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। आप सबको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।